हेलो भाई, तो स्वागत है आप सबका फैंटेसी फॉर लाइफ के यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा विन भी कर रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज के लिए बात करने वाले हम किस किस के बीच में। एक तरफ यहाँ से मैच रहेगा आई ड्रीम तिरुपुर तमिजांस के बीच में, दूसरी तरफ यहाँ से रहेगी ट्रिची वॉरियर्स। ठीक है, मैं सोच रहा था कि इसका नाम क्या था, वापस मैं भूल गया हूँ। ठीक है, BA11SY11 नाम रखा हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या था तो अब बता देना मेरे को वापस से कमेंट सेक्शन में। वापस भूल गया हूँ मैं क्या नाम था इनका। ठीक है, एक तो अजीब सा रखा हुआ है इस वजह से। बाकी अपन देखते हैं टीम के ऊपर फोकस करते हैं सीधा, टीम क्या बन सकती है, क्या स्टैट्स रहेंगे, कौन से प्लेयर आज के लिए ठीक है, कौन से खराब रहेंगे और जिनको लेना ही नहीं है अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी, ग्रैंड लीग की टीम में भी। ठीक है, सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा आपको आखिर तक देखना है। आखिर तक देखोगे तो सारी चीज़ें वैसे भी समझ में आ जाएगी और उसके साथ साथ एक बेहतर टीम भी बना पाओगे। ठीक है, तो आखिर तक देखना सबसे ज़रूरी है। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो क्या कर रहे हो, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यहीं पर होगा लाल वाला बटन, उसको दबा देना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सभी जो अपडेट्स हैं, टीम्स हैं, गिवअवेज वगैरह है, वो सब आपको यहीं मिलने वाले हैं, तो मिस नहीं करना है। ठीक है, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। जहाँ से मर्जी हो, जहाँ से सही लगे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, पहुँचोगे एक ही चैनल पर। बाकी बात करें देखो अपने मैच की, तो वही शाम को रहने वाले मैच सलेम में खेला जाएगा। अब यहाँ पर 11 मैच में 4 जीते बैटिंग फर्स्ट ने और 7 मैच जीते बैटिंग सेकेंड ने। अब जब तक ये वाला मैच होगा ना, तब तक एक मैच यहाँ पर खेला जा चुका होगा, मतलब पिच हो चुकी होगी यूज़। ठीक है, तो फिर उस केस में जो स्पिन है वो मैं बोलूँगा थोड़ा सा सही कर सकती है। ठीक है, स्पिन को विकेट जो है इस वाले मैच में थोड़े से एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में स्पिन को ज़्यादा मदद होती है, अब फर्स्ट इनिंग में विकेट भी ज़्यादा गिरते हैं। और अभी वाली जो टीम्स है ना, वो है भाई दोनों ही एकदम जो बिल्कुल नीचे चल रही है पॉइंट्स टेबल में, तो कोई ना कोई एक टीम यहाँ से जल्दी ऑल आउट हो सकती है। मतलब जैसे कि कल ये सलेम स्पार्टन्स हो गई थी 98 पर, तो एक टीम यहाँ से जल्दी आउट हो सकती है और दूसरी टीम बड़ी आसानी से चेस कर सकती है। अब इसका कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी टीम, अब देखो दोनों बराबर है, बट मैं बोलूँगा यहाँ से जो भी पहले बैटिंग करने आ जाए ना, वो उस टीम को आज के लिए थोड़ा सा बदकिस्मत मान सकते हो कि भाई जल्दी ऑल आउट हो सकती है। बाकी विकेट्स की बात करें, ओवरऑल मैं आपको पिछले 5 मैचेस के विकेट्स बता देता हूँ। 2 तो अभी अपने हो गए हैं इस साल के और जो बाकी है पिछले TNPL के। बाकी ओवरऑल पिछले 5 में 20 विकेट है पेस के, 17 विकेट है स्पिन के और यहाँ से 8 विकेट्स पेस के और 10 विकेट स्पिन के सेकंड इनिंग में रहते हैं। ठीक है, ओवरऑल यहाँ से 28 पेस और 27 स्पिन के। एक चीज़ और नोटिस करोगे, पहली इनिंग में जो विकेट है वो थोड़े से ज़्यादा है और जो सेकंड इनिंग में विकेट है वो यहाँ से थोड़े से कम रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। वही अगर बात करते अपनी प्लेइंग 11 की, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अब यही बनती है, क्योंकि पिच का अंदाज़ा तो मैं बोलूँगा पहले जो मैच होगा उससे कहीं ना कहीं आप लगा भी लोगे, क्योंकि जब तक ये मैच की डेडलाइन होगी पहला वाला खत्म हो चुका होगा। तो यहाँ से एड्रीम तिरुपुर तमिजांस की तरफ से तुषार रहेजा और राधाकृष्णन ने जो है पिछले मैच में ओपन किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ रही। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इस मैच में थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट कम भी कर सकते हो। रीज़न बैटिंग ऑर्डर है। ठीक है, रीज़न सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बैटिंग ऑर्डर का रहने वाला है। आपको नहीं पता भाई यहाँ से कौन किसको ओपन करा दे, क्योंकि प्लेइंग 11 इनकी आती कुछ है, बैटिंग ऑर्डर दिखता कुछ है और बाद में जब प्लेयर्स आने शुरू होते हैं खेलने तो फिर पता चलता है यार बैटिंग ऑर्डर में धोखा हो गया। तो इसी वजह से जो सेकंड मैच है इसमें आप थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करके चल सकते हो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है इस मैच में प्लेइंग 11 में, फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। ठीक है, यहाँ से तुषार रहेजा और राधाकृष्णन ओपन करने वाले हैं। अब तुषार रहेजा इस सीज़न में बोला थोड़ा ठीक खेल रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं खेल रहा है, बस ठीक खेल रहा है। राधाकृष्णन ओवरऑल बैटर अच्छा ही है। ठीक है, पिछले सीज़न में रन 1-2 इनिंग में तो बहुत बढ़िया थे, बाकी में कुछ में नॉट आउट रहे, कुछ में ये आउट हो गए थे। इस सीज़न अभी तक 36 और 34 ही बना सके हैं। बाकी एज अ सेफ पिक आप यहाँ से राधाकृष्णन और तुषार रहेजा को ले सकते हो। उसके बाद में बालचंद्र अनिरुद्ध है, ये कुछ ज़्यादा खास करते हुए दिखे नहीं है। अब नॉर्मली तो ऐसा होता है भाई दो तीन इनिंग के बाद में एक अच्छी इनिंग खेल ही देता है। ठीक है, जैसे यहाँ 58 है, 2 बार आउट हुआ, फिर 51 बने, फिर एक बार आउट हुआ, फिर 34 बने, बट इस बार तो 4 इनिंग हो चुकी है, कुछ ज़्यादा खास रन्स देखने को मिले नहीं है। बाकी GL के लिए मैं CVC ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कर सकते हो, कि कहीं ना कहीं वो एक अच्छी इनिंग जो है ना 50-60 रन की, अगर ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ जाते तो कहीं ना कहीं अराउंड द कॉर्नर है, मतलब आसपास ही है, तो GL में CVC आप बना सकते हो इनको। बाकी NS चतुर्वेद से भी उतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को अभी तक मिला नहीं है, अभी तो बैटिंग ऑर्डर भी इन्होंने अपना नीचे कर लिया, तो देख लेना, अगर टीम में मैनेज कर पाओ तो रख लो, ना कर पाओ तो हटा सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। बाकी विजय शंकर मशपिक बने गई, अब पिछले मैच में 0 विकेट थे, बाकी उससे पहले 28 रन 0 विकेट है, फिर 2 रन और 3 विकेट तो आपको याद ही है पहले मैच के। उसके बाद में राजेंद्रन विवेक है जो कि अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं, 26-21 बनाए पहले मैच में, फिर 6 बनाए थे। उसके अलावा यहाँ से साई किशोर है जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, उससे पहले अगर आप देखते हो तो 3-3 विकेट निकाले हुए हैं, हालांकि ये TNPL में नहीं थे, TNPL में अभी तक विकेट बहुत ज़्यादा तो नहीं निकाले, बट स्पिन को सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी मदद मिलेगी।
थोड़ा ज़्यादा विकेट मिलेगी तो एज अ सीवीसी कैप्टन तो नहीं, बट हाँ वाइस कैप्टन के लिए अगर रिस्क लेना चाहो तो कर सकते हो साई किशोर को। उसके बाद में पेरिया स्वामी है, 2 विकेट इन्होंने पिछले मैच में निकाले। उसके बाद में अजीत राम है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, कभी चल रहे कभी नहीं चल रहे वाला सीन हो रहा है अजीत राम के साथ में, और जब नहीं चलते तो रन भी बहुत पड़ते हैं फिर तो, तब तो ये है कि इकोनॉमी के भी माइनस करा के जाता ही है। उसके बाद में करूप्पा स्वामी है, 4 मैचेस खेले, 2-2, 1 विकेट है, और अभी जो सबसे रिसेंट खेला उसमें विकेट लेस रहे थे। बाकी भुवनेश्वरन की तरफ से बॉलिंग अच्छी दिखाई दे रही है, 17 मैच में 22 विकेट तो इनके डोमेस्टिक में थे, और अभी तक TNPL के 2 मैचेस खेले कुल मिलाकर ये 6 विकेट निकाल चुके हैं, पिछले मैच में इन्होंने निकाले थे 5 विकेट। तो ये है आई ड्रीम त्रिपुर तमिजांस की तरफ से जो प्लेइंग 11 रह सकते हैं, ठीक है। अब पिछले मैच में अगर आप देखोगे तो भाई ने मैं बोलूँगा चेंजेस वगैरह तो कुछ किए, साथ ही साथ बॉलिंग में भी चेंजेस कर दिए थे। अब इनके मैं आपको बेंच बताता हूँ कि कौन कौन है। इन्होंने सबसे पहले तो मोहम्मद अली और विशाल वैद्य को हटाया था पिछले मैच में टीम से, बट वो चीज़ भी ज़्यादा वर्क की नहीं। मोहम्मद आप देखोगे 16 मैच में 19 विकेट है, TNPL का 1 खेला उसमें 1 विकेट निकाला है। एस गणेश को ये लगातार मौका दे रहे हैं, ठीक है, एज अ इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट भाई कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं पाए। बाकी विशाल वैद्य भी फ्लॉप ही रहे हैं अभी तक, बट अगर खेलता है तो विशाल वैद्य को आप ट्राई करके चल सकते हो। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो बैटर ठीक है, पिछले TNPL में रन इन्होंने बनाए थे। बाकी त्रिलोक नाग है, कभी कभार विकेट निकाल लेते हैं, ज्यादा कंसिस्टेंट तो नहीं है। उसके बाद में मणिकंदन है जो कि लगातार विकेट निकालते हैं। अब इसमें इस बार तो इनको मिला ही 1 ओवर है अभी तक, ठीक है, विकेट उसमें नहीं निकाला है, बट उससे पहले अगर आप विकेट निकाल देखते हो तो अच्छे खासे निकाले हो, बस शर्त ये है कि 4 ओवर डाल जाए भाई, 4 डाल गया तो समझो मणिकंदन की तरफ से विकेट्स आ गए। उसके बाद में पार्थ सारथी है, 8 मैच में 9 विकेट है। बाकी एम राघवन है, 18 मैच में 14 विकेट। उसके बाद में अपन हरीश है 89 के एवरेज के साथ में, और वेट्रीवेल इसको तो खिलाएंगे ना तब इसका पता चलेगा कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है कि राइट आर्म मीडियम डालता है, क्योंकि इसका अभी तक पता नहीं है क्या डालते हैं। मैंने अभी तक इसको ट्रेनिंग वगैरह कोई ऐसे आई नहीं है, खेला अभी तक है नहीं, तो मैं सच बताता हूँ देखो मेरे को इस वाले प्लेयर के बारे में नहीं पता है कि भाई ये वेट्रीवल क्या करता है ये, ठीक है, ये बोलिंग तो करता है, इसका डोमेस्टिक का भी 2 मैच में 2 विकेट्स है, बट ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है कि राइट आर्म मीडियम डालता है वो चीज़ कन्फर्म नहीं है, क्योंकि हर जगह अलग अलग मेंशन किया हुआ है आपको, कहीं पर स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, कहीं पर राइट आर्म मीडियम देखने को मिलता है। बाकी ये है एड्रिम त्रिपुर तमिजांस की तरफ से। बाकी आपको पता है इनके बेंच प्लेयर इनका जो इंपैक्ट प्लेयर रहेगा वो एश गणेश रहने वाला है, जो अभी तक तो फ्लॉप रहा है। बाकी ओवर का मैं आपको बताता हूँ किसने कितने डाले हैं। तो विजय शंकर ने पिछले मैच में शुरुआत की थी बॉलिंग की, और 1 ओवर मिडल में और 1 ओवर डेथ का शुरुआत करके थे। बाकी भुवनेश्वरन ने 3 ओवर 2 बॉल डाले जिसमें 5 विकेट निकाले, 3 ओवर तो पावर प्ले में ही करा गए थे क्योंकि विकेट मिल गया था, तो फिर इन्हीं के साथ में कंटिन्यू की गई पावर प्ले में बॉलिंग, और एक इन्होंने डेथ में डाला था। इसमें 19 ओवर के तो सिर्फ यहाँ से 2 ही बॉल डाली थी इन्होंने। बाकी पेरिया स्वामी रही, ये डेथ में आपको पता है ये डेथ में डालते हैं और शुरुआत में 1 ओवर डालते हैं, ठीक है, 3 ओवर कराए थे, 5वां, 7वां और 18वां ओवर। साई किशोर मिडल कवर करते हैं पूरा, 8, 10, 14 और 17वां ओवर इनसे डलवाया गया। बाकी अजीत राम भी कहीं ना कहीं मिडल में बॉलिंग करते हैं, 4 ओवर इनके थे, 9, 11, 13वां और 15वां ओवर। कुल मिलाकर 5 बॉलर इधर से जो यूज़ हुए थे पिछले मैच में, इससे 5 ही बॉलर यूज़ हुए, 6ठा बॉलर तो इन्होंने आजमाया तक नहीं। तो ये है भाई यहाँ से ओवर की कहानी। शुरुआत में आज के मैच में भी आपको विजय शंकर और भुवनेश्वरन डालते हुए दिख सकते हैं, ठीक है, और डेथ की जब बात आती है तो उस केस में फिर भुवनेश्वरन और यहाँ से पेरिया स्वामी आपको डालते हुए दिख जाएंगे। मिडल ओवर्स की बात की जाए 8 ओवर की, तो फिर अजीत राम और साई किशोर निकाल देंगे वो। ट्रिची की बात करें तो अब मेरे को याद आ गया, बालू साहब ट्रिची नाम था इनका शायद, जो मेरे को किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया था। तो यहाँ से देखो ट्रिची की अगर हम बात करें तो श्रीनिवासन को इन्होंने वापस से खिलाया और श्रीनिवासन ने निराश नहीं किया, 0 वापस से बना कर गए थे ये, ठीक है। पिछली 5 इनिंग में 4 अंडे दे चुका है ये, पिछले 5 इनिंग में 4 बार 0 पर आउट हो चुका है, 1 मैच में इसने 9 बनाए हुए, ठीक है। इस बार के इस सीजन के 3 मैच खेले जिसमें 1 में 9 और 2 बार 0 पर आउट हो चुका है, और पिछला सीजन जो ऐड किया था वो भी 0 पर ही किया था, तो कुछ ज़्यादा भरोसा मेरे को वैसे है नहीं श्रीनिवासन से। पिछले मैच में इनसे ओपनिंग कराई गई गंगा श्रीधर राजू के साथ में, अब कप्तान अपनी कमान संभाले हुए बढ़िया तरीके से। कप्तान ने देखो 58 और 48 की 2 इनिंग खेली है, बाकी ले भी सकते हो, के मनी भरती जब तक ये ओपन करेगा नहीं तब तक ये रन बनाएगा नहीं, ये चीज़ तो आप देख लो, ठीक है। मनी भरती अगर ओपन करे तो मैं ग्रैंड लीग में CVC इसको करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ओपनिंग करते वक्त ये रन बना देगा, ठीक है। बाकी यहाँ से 0 है 40 है 37 18 38 का इनका स्कोर है। डेरिल फेरारियो पिछले मैच में इन सबकी बैटिंग खराब रही थी, तो बैटिंग तो देखना मत पिछले मैच की, उससे पहले रन जो है वो देख सकते हो। फेरारियो 0 रन 2 विकेट थे पिछले मैच में, बॉलिंग भी कराई, तो हो सकता है कि इस मैच में भी आपको बॉलिंग कराते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी यहां से जफर जमाल है, इनको ओपनिंग से हटा के 5 नंबर पर भेजा गया, और जफर जमाल ने भी निराश नहीं किया, वापस से फ्लॉप हो गए,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ से विनोद एसपी को खिलाया गया था, हालांकि ये है तो बॉलर, 5 मैच में 12 विकेट है, बट भाई से बॉलिंग कराई नहीं गई, सिर्फ बैटिंग कराई गई और उसमें इन्होंने बनाया था 1 रन। तो अब मैं बोलूँगा कि थोड़ा नया नया प्लेयर है ना, तो हो सकता है विनोद एसपी के ऊपर ये भरोसा ज़्यादा दिखाई नहीं और इस मैच में बॉलिंग ना कराई जाए। बट एक किसी अगर आप ज़्यादा टीम के साथ में ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो किसी एक ग्रैंड लीग टीम में तो आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। बाकी उसके बाद में यहाँ से राजकुमार रहेंगे, ये अभी के लिए अच्छी हिटिंग कर जाता है, तो भाई चाहे आप बॉलिंग पर भरोसा ना करो इसके, बट बैटिंग के हिसाब से आप इसको ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े रन भी कभी कभार बनाता रहता है, जैसे 39 रन बनाए थे, यहाँ 31 बनाए थे, बट जो फैंटेसी पॉइंट्स हो गए थे वो ज़्यादा हो गए थे क्योंकि छक्के वक्के मार दिए थे बढ़िया तरीके से। उसके बाद में यहाँ से एंथनी दास है, ये भी कुछ ज़्यादा इंप्रेस अभी इस सीजन में कर नहीं पाया तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ले रखा है बट मेरी मानो तो हटा सकते हो टीम से, आप इनको लेने का मन करे तो रख लेना, अदरवाइज तो फिर शायद हटा सकते हो, ज़्यादा बेहतर एक टीम कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बाकी उसके बाद मोनिश सतीश को खिलाया गया, 1 विकेट इन्होंने निकाला, जैसा मैं बोलता हूँ कि एक तो निकाल लेगा ये, बाकी 2 विकेट फिर 0-0 है, फिर 1-1 विकेट है और फिर यहाँ से 0 विकेट देखने को मिलते हैं। अलेक्जेंडर है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अब वैसे तो इंपैक्टफुल बॉलर है, काफ़ी अच्छा बॉलर है, विकेट वगैरह अच्छे खासे निकालता है, जो कि इसने पहले तो निकाले हुए, मतलब पिछले TNPL की आप मान लो, बट उसके बाद में थोड़ा सा ये आउट ऑफ फॉर्म ही दिखे अभी तक ना। उसके बाद में यहाँ से सलाम बसम की बात करें, 1-1 विकेट इनके भी हैं बीच बीच में, बट कभी कभार ये 3-4 विकेट भी निकाल लेता है, तो ग्रैंड लीग के लिए CVC बनता है। तो ये है ट्रिची की तरफ से जो पूरी एक प्लेइंग 11। अब इनके इंपैक्ट वगैरह प्लेयर की बात करें, अब देखो ट्रिची ने पता है क्या किया, पिछले मैच में ना पूरी बॉलिंग ही चेंज कर दी, सिलाम प्रसम को ले आए, मोनिस सतीश को ले आए, अलेक्जेंडर को ले आए और कौन था, विनोद एसपी को ये ले आए, ठीक है, श्रीनिवासन को वापस टीम में खिलाया इन्होंने। तो बहुत सारे चेंजेस ट्रिची ने पिछले मैच में किए थे, अब इस मैच में वापस चेंजेस कर सकते क्योंकि ना तो श्रीनिवासन चला ना जफर जमाल चला, ठीक है ना, विनोद एसपी ने कुछ किया और ना इन्होंने इनसे बॉलिंग कराई, तो वापस से चेंजेस हो सकते हैं इस वाले मैच में। अब ट्रिची के पास में अगर देखा जाए तो प्लेयर तो है अच्छे, इवन इन्होंने पिछले मैच में नटराजन को भी नहीं खिलाया था, अब रीज़न मेरे को नहीं पता नटराजन का क्या था क्या नहीं था, क्योंकि देखो मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ अभी कि भाई कोई प्लेयर इंजरी की वजह से बाहर हुआ, कोई किसकी वजह से बाहर हुआ, क्योंकि प्लेइंग 11 आ जाती है, प्लेइंग 11 नहीं आती ना तब तो पूरा रिसर्च करते कि इंजरी से हुआ कि इस मैच में खेलेगा नहीं, और प्लेइंग 11 आ जाती है ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ से गोडसे ने 3 विकेट निकाले थे, बट क्या अगले मैच में बाहर बैठा दिया, क्योंकि 3 विकेट निकाल लिए, जीतते कैसे अगर ये 3 निकाल लेगा तो अगले मैच में भी। ईश्वरन से 1 ओवर इन्होंने कराया, जबकि उस बंदे ने लगातार विकेट निकाले हुए इस टीम से। गोपालन ये तो गए विकेट लेस था, वैसे टीम से बाहर हुआ पिछले मैच में, नटराजन को बाहर बैठाया गया था। उसके बाद में यहाँ से शाहजा है, जिन्होंने 13-0-25-21 का स्कोर है, उसके अलावा टी सरन है, 24 मैच में 27 का एवरेज देखने को मिलता है। अतिशराज डेविडसन है, बॉलर ये भी अच्छा है, डेथ में डाल सकता है, विकेट भी निकाल सकता है, बट खिलाएंगी क्यों टीम, ठीक है। बाकी इधर से इनके नाम भी विकेट्स वगैरह ठीक है, ठीक है। अलेक्जेंडर और डेविडसन पता है TNPL के पिछले साल तक मैं बोल सकता हूँ या उससे पिछले साल तक काउंट कर लो, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे हैं दोनों ही, ठीक है। टीम मरती थी भाई इनको खिलाने के लिए, ऑक्शन में लेने के लिए, बट इन्होंने एकदम बेकार बना दिया। पी फ्रांसिस रॉकिंस को कुछ ज़्यादा रन इन्होंने बनाए नहीं हुए। उसके बाद में यहाँ से इनका क्या नाम था, कार्तिक शनमुगन, एक ही मैच खेले, 3 विकेट है, बाकी ठीक बॉलर है, अगर खेलता है तो ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद अजीम है, जिन्होंने 3 मैचेस खेले और कुल मिलाकर 5 विकेट्स है। ये तो रहती है ट्रिची की तरफ से जो पूरी प्लेइंग 11 उनके बेंच प्लेयर्स थे। अब बात करें अपना नेक्स्ट निकल कर कि भाई ओवर किस किस ने डाले और कितने डाले हैं, तो उस केस में सलाम प्रसम जो है शुरुआत की थी ओवर की, अलेक्जेंडर ने पावर प्ले में 1 ओवर डाला, बाकी फिर 8वां और 10वां ओवर डाला था। उसके बाद में यहाँ से सतीश है, जिन्होंने 3 डाले, इन्होंने भी पावर प्ले में अपना जो है यहाँ से बॉलिंग की थी, तो भाई कुल मिलाकर पिछले मैच में पावर प्ले में डाले थे 3 बॉलर्स ने, अलेक्जेंडर, सलाम प्रसम और यहाँ से सतीश ने। अब इस मैच में क्या हो सकता है, हो सकता है कि अलेक्जेंडर 2 ओवर डाल जाए और सलाम प्रसम आपको 2 से 3 ओवर जो है पावर प्ले में डालते हुए दिखे, अदरवाइज सलाम प्रसम का क्या रहता है कि 2 डेथ में डालते हैं, 2 शुरुआत में डालते हैं, ठीक है। बाकी अलेक्जेंडर ये मिडल ओवर डालते हुए दिखते हैं, सतीश का भी वही है, फरारियों का तो राम भरोसे ओवर डालेंगे कि नहीं डालेंगे, पिछले मैच में तो पूरे मिडल ओवर्स इन्होंने कवर किए थे। उसके बाद में श्रीनिवासन से भी पिछले मैच में बॉलिंग कराई गई कि भाई बैटिंग से कुछ नहीं कर रहा बॉलिंग से कर दे, बट इसने कुछ नहीं किया, 15 ओवर 17 ओवर डाला था। और राजकुमार आपको 2 ओवर डालते हुए दिखे थे, वो भी दोनों ही ओवर डेथ में, ठीक है। इनको काफ़ी लेट ही यूज़ किया जा रहा है बॉलिंग के लिए, एज अ एक तरीके से बैटिंग ऑलराउंडर अभी राजकुमार खेलते हुए दिखे हैं। अब बात करते हैं अपनी टीम की कि भाई आज के लिए जो हमारी टीम है वो क्या रह सकती है। एक तो आज ऐसा लग रहा है कि आज ट्रिची की मैंने जितनी बुराई की है ना उतना ही अच्छा करके दिखाई गई है टीम, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है, जब मैं बुराई करता हूँ बहुत अच्छा कर जाती है वो टीम, भरोसा रख सकते हो सर ट्रिची पे आज के लिए, ग्रैंड लीग वगैरह की टीम बना लेना इनके फेवर में। बाकी रहीजा है, अपनी स्पॉन लीग की देखते हैं तो रहीजा को रखा है, फरारियो है, राधा कृष्णन ने, श्रीधर राजू है, उसके बाद में शंकर, राजकुमार, भुवनेश्वर है ने, बाकी पेरिया स्वामी, सिलाम ब्रसम, अलेक्जेंडर और यहाँ से मैंने रखा है साई किशोर को। अब देखो कैप्टन तो विजय शंकर से ज़्यादा बेहतर पूरी टीम में कोई है नहीं,
ठीक है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। वाइस कैप्टन ने यहाँ से साई किशोर को किया हुआ, बाकी वाइस कैप्टन अगर आप करना चाहो तो भाई यहाँ से श्रीधर राजू को भी कर सकते हो, क्योंकि एक एंड पर ये खड़ा रहता है, रन बनाता रहता है, दूसरी साइड की टीम जो पूरी ढेर होती रहती है। तो यहाँ से श्रीधर राजू अगर करना चाहो तो वाइस कैप्टन कर सकते हो। बाकी इस मैच के जो सेफ ऑप्शन बनते हैं ना, वो शंकर और साई किशोर ही बनेंगे इधर से। तो ये हो जाती है टीम। और एक और चेंज, पेरेस्वामी की जगह पर कोई और रखना हो तो रख लेना, ठीक है। तो ये हो जाती है आज के लिए टीम एंड सब चीज़ें। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना, ताकि आप आगे जाकर कोई भी जो मैचेस की वीडियोस है बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी जो टीम्स है, अपडेट्स है, गिव अवेज है, सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलती है, तो मिस नहीं करना है। बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्द।